नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि हम टू प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, तो सो वन इज कंप्लीटेड ओवर हियर रिगार्डिंग क्रॉस पेज पोस्टिंग। अब हम एक और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे हम मास्टर पे चाइल्ड पेज के कंट्रोल की वैल्यू हम मास्टर पेज के कंट्रोल के अंदर असाइन कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, चाइल्ड पेज के कंट्रोल की वैल्यू कैसे हम मास्टर पेज के कंट्रोल के अंदर असाइन कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कैसे हम मास्टर पेज के कंट्रोल्स को चाइल्ड पेज के ऊपर एक्सेस करेंगे। अगेन आई रिपीट, मास्टर पेज के कंट्रोल को कैसे हम चाइल्ड पेज के ऊपर एक्सेस करेंगे, राइट? सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें मास्टर पेज कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। सो हियर इट इज, मैंने यहाँ पे टू पेजेस ऐड किए हैं विद इन माई वेबसाइट, राइट? फर्स्ट इज द मास्टर पेज एंड सेकेंड इज द चाइल्ड पेज। ऑब्वियसली चाइल्ड पेज दैट इज द कॉन्टेंट पेज के जो हम मास्टर पेज के ऊपर से ऐड करेंगे। अगेन आई रिपीट, जो हम मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट करेंगे, राइट? सो अगेन विद इन दिस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम टू पेजेस, टू एंटिटीज, टू आइटम्स यूज करेंगे। फर्स्ट इज मास्टर पेज एंड सेकेंड इज कंटेंट पेज के जो हम मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिजाइन ऑफ द मास्टर पेज। सो अगेन मैंने यहाँ पे ये मास्टर पेज के ऊपर टेबल ऐड किया है। टेबल विल बी ऑफ थ्री रोज टू कॉलम्स, राइट? अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे टेबल ऐड किया है और टेबल इज ऑफ थ्री रोज टू कॉलम्स। फर्स्ट रो के अंदर मैंने यहाँ पे वेलकम मैसेज प्रोवाइड किया है, राइट? एंड वेलकम मैसेज के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया है, राइट? और वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी है txt name। अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है txt name। अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे मास्टर पेज की बात कर रही हूँ, राइट? सो मास्टर पेज के ऊपर पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल ऐड किया ऑफ थ्री रोज टू कॉलम्स, या फिर आप थ्री रो वन कॉलम का टेबल भी ऐड कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड टेबल, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको यहाँ पे कैसे डिजाइनिंग करनी है। सो आप एज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे थ्री रोज वन कॉलम का टेबल ऐड किया है, राइट? ओके, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट रो के अंदर मैंने यहाँ पे वेलकम मैसेज स्पेसिफाई किया। बिसाइड दैट आई हैव प्लेस्ड वन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है, दैट इज txt नेम, राइट? सेकेंड रो के अंदर जैसे हम हमेशा करते हैं, राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे लिंक के रिगार्डिंग सिंपल एक मेनू कंट्रोल प्लेस किया है, एंड जो मेन कंटेंट डिस्प्ले होगा उसके रिगार्डिंग जो सेकेंड कॉलम है ऑफ द सेकेंड रो, वहां पे मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल प्लेस किया है, जो आप यहाँ पे पर्पल कलर के अंदर देख सकते हो, राइट? एंड आफ्टर दैट थर्ड रो देयर विल बी ट्रीटेड एज अ फुटर, के जहाँ पे हम फुटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मोर प्रिसाइज कॉपीराइट इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, राइट? ओके, सो दिस इज अ सिंपल डिजाइन रिगार्डिंग द मास्टर पेज, राइट? टू इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर, फर्स्ट रो के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स रखा है वो इम्पोर्टेंट है, एंड सेकेंड रो के अंदर जो हमने कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रखा है वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल इसीलिए रखना पड़ेगा बिकॉज जो हम कंटेंट पेजेस ऐड करेंगे, दैट इज चाइल्ड पेजेस हम ऐड करेंगे, वहां पे हमें डायनामिक कंटेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली मास्टर पेज के ऊपर हमें कंटेंट प्लेस होल्डर प्लेस करना पड़ेगा, राइट? एंड जैसे ये एग्जाम्पल है, हमें मास्टर पेज के कंट्रोल को चाइल्ड पेज के ऊपर एक्सेस करना है, तो ये मास्टर पेज के ऊपर हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड किया है वो हम चाइल्ड पेज थ्रू एक्सेस करेंगे, राइट? ओके, सो दिस इज अ सिंपल डिजाइन रिगार्डिंग द मास्टर पेज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पेज, दैट इज चाइल्ड पेज, राइट? और मैंने ये चाइल्ड पेज कैसे क्रिएट किया है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो, मैंने मास्टर पेज के ऊपर से ये चाइल्ड पेज ऐड किया है, दैट इज वेब पेज ऐड किया है। और अगर हमें मास्टर पेज के ऊपर से कोई भी वेब कंटेंट पेज, दैट इज वेब पेज ऐड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ऐड न्यू आइटम करेंगे, ऐड न्यू आइटम के बाद विजुअल बेसिक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, एंड वी विल चेक द सेकंड चेक बॉक्स, दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज, राइट? अगेन आई रिपीट, वी विल चेक द सेकंड चेक बॉक्स, दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज। एंड जैसे ही हम ये चेक बॉक्स के ऊपर चेक करके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, वो हमें पूछेगा कि कौन सा मास्टर पेज यूज करना है,
राइट सो हम यहाँ पे वो मास्टर पेज सिलेक्ट कर लेंगे. सो इट इज ओवर हियर. ये मास्टर पेज है हमारा, दैट इज मास्टर पेज डॉट मास्टर, राइट. एंड उसके उसे सिलेक्ट करके हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे. सो जैसे हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इस हिसाब से डिजाइनिंग मिल जाएगी, बिकॉज हमने वो मास्टर पेज के ऊपर क्रिएट किया था, राइट. द ओनली प्लेस कि जहां पे हम डायनामिक कंटेंट रख पाएंगे, दैट इज विद इन द कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल, राइट. ओके सो यहाँ पे मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम, वो आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड बिसाइड दैट आई हैव प्लेस्ड वन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, बिसाइड दैट आई हैव प्लेस्ड वन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. और ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी मैंने यहाँ पे सेट की है, दैट इज txt वैल्यू. अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है txt वैल्यू. एंड अगेन बिसाइड दैट मैंने वहां पे एक बटन कंट्रोल ऐड किया है, और अगेन द आईडी प्रॉपर्टी ऑफ द बटन कंट्रोल इज btn चेंज. अगेन आई रिपीट, आईडी प्रॉपर्टी ऑफ बटन कंट्रोल इज btn चेंज. एंड आफ्टर दैट टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है, दैट इज चेंज. इट इज ओवर हियर विद इन प्रॉपर्टी विंडो, राइट. ओके सो बटन मैंने यहाँ पे प्लेस किया है. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे ये चेंज बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर यूजर जो भी वैल्यू, मतलब यूजर जो नेम ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के ऊपर अंदर ऐड करेगा, राइट, वो मुझे वैल्यू ये मास्टर पेज के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है उसके अंदर असाइन करनी है. अगेन आई रिपीट, जब भी मैं ये चाइल्ड पेज को एग्जीक्यूट करूंगी विद इन द ब्राउजर, यूजर ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक नेम इनपुट करेगा, वो नेम चेंज बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे ये मास्टर पेज के ऊपर ये जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है उसके अंदर असाइन करना है. नाउ एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, मैं यहाँ पे मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को एक्सेस नहीं कर सकती, यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस मार्क है, बिकॉज वो कंट्रोल मास्टर पेज के ऊपर है, चाइल्ड पेज के ऊपर नहीं है. बट विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, राइट, रन टाइम पे कोडिंग का यूज करके हम ये मास्टर पेज के कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं. दो डिजाइन टाइम पे हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, बट रन टाइम पे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग. ओके सो हमें यहाँ पे किसके ऊपर वर्क करना है, ऑब्वियसली ये चेंज बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क करना है, राइट. सो लेट्स डू दैट थिंग. सो हियर इट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज बटन की क्लिक इवेंट, इट्स ओवर हियर, राइट. सो यहाँ पे btn चेंज की क्लिक इवेंट है. अब मुझे क्या करना है, ये चाइल्ड पेज के ऊपर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू मुझे ये मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन करनी है. इन शॉर्ट मेरे पास ये चाइल्ड पेज के ऊपर मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस होना चाहिए. अगेन आई रिपीट, मेरे पास यहाँ पे चाइल्ड पेज के ऊपर मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस यहाँ पे होना चाहिए, राइट. ओके सो फॉर दैट पर्पस एज वी वॉन्ट टू हैव द रेफरेंस, अगेन मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस क्रिएट करूंगी. सो फॉर दैट पर्पस आई हैव स्पेसिफाइड द स्टेटमेंट, दैट इज डीम txt एज टेक्स्ट बॉक्स, राइट. मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस असाइन सॉरी क्रिएट कर दिया है. सो द नेम ऑफ द रेफरेंस इज txt, राइट. ओके नाउ आई वांट टू रिट्राइव द कंट्रोल ऑफ द मास्टर पेज. अगेन आई रिपीट, आई वांट टू रिट्राइव द कंट्रोल ऑफ द मास्टर पेज. सो व्हाट आई विल यूज ओवर हियर, मी. मी मीन्स द इंस्टेंस ऑफ करंट पेज. अगेन आई रिपीट, मी दैट इज द इंस्टेंस ऑफ करंट पेज. After that, me dot master, मतलब current page का जो master page है वो. Again I repeat, me dot master, मतलब current page का जो master page है वो. Master page के ऊपर से मुझे control find करना है. Again I repeat, master page के ऊपर से मुझे control find करना है. उसके regarding find control method हम use करेंगे. कौन सा control find करना है? So obviously हम उसकी आईडी प्रॉपर्टी से यहाँ पे पास करेंगे. एंड द आईडी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स दैट इज अवेलेबल ऑन दिस मास्टर पेज इज txt नेम, राइट. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्पेसिफाई किया, दैट इज txt नेम. इन शॉर्ट ये स्टेटमेंट का यूज करके मैंने
चाइल्ड पेज के मास्टर पेज के ऊपर से टीएक्सटी नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मैंने फाइंड किया, उसका रेफरेंस मुझे मिलेगा, वो रेफरेंस मैंने ये टीएक्सटी विच इज द रेफरेंस ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया। अगेन आई रिपीट, चाइल्ड पेज दैट इज द करंट पेज, मी कीवर्ड से हम उसे एक्सेस करेंगे, उसका मास्टर पेज हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मास्टर प्रॉपर्टी, उसके बाद फाइंड कंट्रोल मेथड हम यूज करके टीएक्सटी नेम टेक्स्ट बॉक्स के रिगार्डिंग रेफरेंस रिट्राइव करेंगे, वो रेफरेंस हम ये टीएक्सटी के अंदर असाइन कर देंगे, राइट। इन शॉर्ट, अब चाइल्ड पेज के ऊपर ये जो टीएक्सटी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स है वो अलग है, एंड हमने यहाँ पे ये टीएक्सटी जो रेफरेंस क्रिएट किया है कि जिसके अंदर मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस है वो अलग है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाइल्ड पेज के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के अंदर असाइन करना है, दैट इज मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन करना है। सो वेरी सिंपल स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट, txt डॉट टेक्स मतलब मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स के रेफरेंस थ्रू हमने टेक्स प्रॉपर्टी को यहाँ पे स्पेसिफाई किया, उसके अंदर मैं असाइन करूंगी txt वैल्यू डॉट टेक्स। txt वैल्यू क्या है, चाइल्ड पेज के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका आईडी है, राइट। इन शॉर्ट, ये स्टेटमेंट का यूज करके हमने चाइल्ड पेज के txt वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स की अंदर जो नेम आएगा वो हमने मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन कर दिया है, राइट। ओके, सो अगेन हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो फॉर दैट पर्पस मुझे चाइल्ड पेज को स्टार्ट पेज सेट करना पड़ेगा, सो राइट क्लिक ऑन द चाइल्ड पेज विद इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सेट एज स्टार्ट पेज ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल एग्जीक्यूट अवर पेज। सो हियर इट इज, आप देख सकते हो ब्राउजर के अंदर पेज लोड हो चुका है, एंड सी दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स के जो चाइल्ड पेज के ऊपर है, राइट। सो यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम, सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नेम एंटर करूंगी एंड आई विल क्लिक ऑन चेंज बटन। जैसे ही मैं चेंज बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, यू विल एबल टू ऑब्जर्व ये टेक्स्ट बॉक्स वेलकम के बाजू में जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर सेम नेम अपियर होगा, बिकॉज दिस टेक्स्ट बॉक्स के जो ये वेलकम के बाजू में है इट इज ऑन द मास्टर पेज, राइट। ओके, लेट मी क्लिक ऑन चेंज बटन। सी जैसे ही मैंने चेंज बटन के ऊपर क्लिक किया, जो नेम यूजर चाइल्ड पेज के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर करेगा वो नेम अब आप मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देख सकते हो। दो हमने वहां पे डिजाइन टाइम पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की थी, ये पूरा हमने लॉजिक थ्रू एट रन टाइम हमने इम्प्लीमेंट किया है, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप कैसे मास्टर पेज के कंट्रोल को चाइल्ड पेज के ऊपर एक्सेस कर सकते हो विद द स्टेटमेंट दैट इज मी डॉट मास्टर डॉट फाइंड कंट्रोल, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट इज दिस वाज द एग्जांपल रिगार्डिंग एक्सेसिंग द कंट्रोल्स ऑफ मास्टर पेज फ्रॉम द चाइल्ड पेज, राइट।